जो पढ़ा था भाई, पढ़ा घर पे वर्क दिया था कुछ हो गया? ये कोई डिफिकल्टी है उसमें बताइए। डिफिकल्टी आई कोई? हो गए चारों पांच एग्जाम्पल सभी के हो गए? आज कोई एग्जाम है कहाँ पे? शायद है है। यहाँ जितना मिले ले लो, ये मत देखो कि एग्जाम हुआ नहीं हुआ, यहाँ बैठो और अपना पढ़ो। हमने कार्टोजन प्रोडक्ट जो निकाला था दो सेट का निकाला था, एक सेट ए लिया था एक सेट बी लिया। अगर हम दोनों सेट रियल नंबर के ही ले लें, यानी कि रियल नंबर से और कार्टेजियन प्रोडक्ट लें, इसके लिए जो ऑर्डर पेयर का सेट बनेगा ये बनेगा ना, ठीक। आप ये जो ऑर्डर पेयर हैं, क्या है ये ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। आपका जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या दूसरी कहूँ बाद में टू डायमेंशन मतलब दो दिशाओं में, ये जो कार्टेजियन प्रोडक्ट है क्या इस कोऑर्डिनेट में, इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में कोई ऐसा पॉइंट है जो इस ऑर्डर पेयर में ना आए? पॉसिबल है? थोड़ी सोच बताओ। ये क्या एक्स वाई जितने भी हम रियल नंबर लेंगे वो कहीं ना कहीं किसी एक बिंदु को रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे? फॉर एग्जांपल एक्स बराबर 1 ले लूँ, वाई बराबर 2 लूँ, एक ऑर्डर बना एक्स 1 और 2
तो वन और टू पॉइंट कहाँ रिप्रेजेंट कर जाएगा, ये होगी। जब हमने सेट कैसा ले लिया रियल नंबर का, तो रियल नंबर में क्या है, वन बाई टू भी आ जाएगा, वन बाई थाउजेंड भी आ जाएगा, वन बाई एक लाख थाउजेंड भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 2D स्पेस में जितना भी ये 2D स्पेस है, कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं बचता जो इस सेट में इंक्लूड ना हो। यानी कि टू डायमेंशनल जो स्पेस है हमारा, टू डायमेंशनल में उसके सारे कोऑर्डिनेट का सेट है ये, है या नहीं है? इतनी सोच बनी? नहीं बनी तो दोबारा पूछ लो, क्योंकि यहाँ से थोड़ा लेवी लग टफ होगा धीरे धीरे, समझ रहे? यानी कि इस साइड में, इस प्लेन पे कोई भी कोऑर्डिनेट कहीं भी ले लो, रैंडमली यहाँ भी लगा दिया ना, तो हो सकता है कि x इक्वल टू 10 हो, y इक्वल टू 12 सही 1/27 हो, फ्रैक्शन में भी तो आ सकता है ना। यानी कि टोटल कोऑर्डिनेट इस सेट ऑफ रियल नंबर में आ गया। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जब ऑर्डर्ड पेयर आया, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लूँ रियल नंबर का रियल नंबर से, फिर रियल नंबर से, यानी कि क्या बनाऊँ ऑर्डर्ड, क्या बोला था कल इसको, इसे तो ऑर्डर पेयर्ड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है, ऑर्डर ट्रिपलेट जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा, जो सेट बनेगा, उसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर। ये क्या होगा, ये 3D स्पेस में, 3D स्पेस के जितने भी कोऑर्डिनेट है वो सारे इस ट्रिपलेट में होंगे, ठीक है। अगर मैं इस रूम में एक 3D कोऑर्डिनेट बना दूँ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस, तो इस रूम में जितनी भी जगह है सारा, कहीं भी डॉट डॉट कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी लगाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट इसमें आ जाएंगे। वो भले ही ऐसे हों कि 1/2, 1/1000, 100 या 1/1,00,000, कुछ भी हो सकता है, इनका कोऑर्डिनेट है किसी ना किसी चीज़ के। यानी कि सारे सारे 3D में ये समाहित हो जाएंगे, समझे रियल नंबर कंसेप्ट। पढ़ते हैं हम रिलेशन का मतलब क्या होता है, संबंध, ठीक है। जब भी कहीं हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम R से। अब बुक्स में अगर आप कहीं देख रहे होंगे ऐसे लिखा होगा ARP, ठीक, इस तरह के, या ऐसे भी लिख देंगे कि R इक्वल टू AB। ये भी एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, रिलेशन को हिंदी में हम संबंध बोलते हैं, ए का बी से क्या संबंध है। अब वो हमारे सेट पर कैसे वर्क करता है, पहले रिलेशन को एक गंदा समझ लो आप। मान लिया एक फैमिली है, एक फैमिली में राम है, मोहन है, श्याम है, ठीक है, रीना है, टीना है और एक बीना, ठीक। ये परिवार है, हो सकता है पेरेंट्स का तीन लड़के हैं, तीन लड़कियां हैं। अब अगर हम इनके, क्या ये एक सेट है, सेट तो नहीं लग रहा ना, सेट तो नहीं है, क्योंकि ये तो गर्ल्स का होता है या बॉयज का होता है। अगर मैं इसके दो सेट बना दूँ, राम मोहन श्याम, बॉयज का सेट हो गया एक, रीना टीना और एक सेट बन गया, एक लड़कों का सेट है एक,
लड़कियों का सेट, उसको सेट ए नाम दे दूँ और इसको सेट ए बी। इनके अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाए तो कितने ऑर्डर पेयर आएंगे? नाइन आएंगे। राम के साथ रीना भी जुड़ेगी, राम के साथ टीना भी जुड़ेगी, राम के साथ बीना भी जुड़ेगी, इसके साथ तीनों जुड़ेंगे, इसके साथ भी तीन जुड़ेंगे। ठीक है, अब मैं जनरली एक चीज लिख दूँ, राम इज ब्रदर ऑफ रीना, ठीक, मोहन इज ब्रदर ऑफ रीना, श्याम इज ए ब्रदर ऑफ रीना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें राम रीना से कैसे रिलेट है, क्या संबंध है, क्या है, भाई है, क्या संबंध बनाने के राम भाई, भाई। तो यहाँ पे जो रिलेशन है कि भाई क्या रिलेशन है, वो रिलेशन किसका है, भाई का। इनके नाम पहला कर दूँ तो रिलेशन का नाम क्या हो जाएगा, बहन। माता पिता का भी रिलेशन हो सकता है, एक क्लास में बच्चे हैं तो क्लासमेट भी हो सकते हैं। सपोज करो आपकी छुट्टी होती है तो अपनी कक्षा का बच्चा जब मिलता है उससे हाई हेलो कर लेते हैं, क्लास से बाहर निकलते हैं, कहीं दूसरे कॉलेज में एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ संदर्भ क्या होता है, भाई एक ही स्कूल के, यानी कि उनमें एक ही स्कूल का छात्र होने का रिलेशन हो गया। तो रिलेशन हमारे समाज में ही, क्योंकि अगर सोशोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ा है तो सोशोलॉजी की डेफिनेशन ये कहती है कि जो हमारे संबंधों का जाल है, ए नेट ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सोशोलॉजी या सोशल साइंस, समाज शास्त्र को बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेशन दो चीज़ के, रिलेशन क्या सिंगल चीज़ के अंदर रिलेशन हो सकता है, नहीं, रिलेशन के लिए दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब यहाँ मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन है, यहाँ तो ये फैमिली का हो गया, किसी भी चीज़ का हो गया, यहाँ रिलेशन हमारा वो चाहे रिलेशन नेचुरल नंबर पे चलेगा या हमारे रियल नंबर पे चले या कुछ भी चले। दूसरी चीज़ एक एग्जांपल और ले लो, क्योंकि अगर रिलेशन आपकी समझ में आ गया तो काफ़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि इससे फिर 50% टफ है फंक्शन और फिर उससे डबल और ट्रिपल फिर टफ हो जाते हैं क्वेश्चन। क्योंकि मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं कराना चाह रहा अभी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई कंसेप्ट ऐसा हो कि इस क्वेश्चन में लगे और फिर आपको ये ना पता हो कि हो क्या। ये जो रिलेशन वाला है हालांकि थोड़ा ऊपर को जाता है लेकिन कोशिश करोगे तो यहीं को निकल के जाएगा। ठीक है, मान लिया एक सेट हमारे पास ए बी सी है, ठीक, और एक सेट मैंने ले लिया, मान लिया आभा भाभा और काबा, तीन नाम मैंने दे दिए। ठीक, ये सेट ए है और ये सेट बी, इनके अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूँ क्या बनेगा, ए के साथ एक ऑर्डर पेयर, ए के साथ ए के साथ काबा बन गए, बी के साथ आभा, बी के साथ तो ऑर्डर पेयर बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? ठीक है, अब इनमें से अगर मैं एक सेट अलग से बना दूं, देखना
एक सेट बना रहा हूँ मैं ऑर्डर पेयर वाला। मैंने एक सेट कुछ जो नौ हमारे ऊपर ऑर्डर पेयर हैं और नीचे तीन ऑर्डर पेयर ले जो सेट बनाया, कुछ इनमें सिमिलरिटी नज़र आ रही है आपको इसमें नीचे चढ़ने वाले में, से कुछ चीज़ कॉमन लग रही, क्या है चीज़ सेम है तीन ऑर्डर पेयर में? तीन ऑर्डर पेयर्ड हैं, इनमें कोई चीज़ सिमिलरिटी ऐसी लग रही है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का और सेकंड में कोई रिलेशन हो, यहाँ इन दोनों में कोई ऐसा रिलेशन नज़र आ रहा है आपको कुछ जिसे हम कुछ नाम दे सकें? देखिए अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर को देखें, हमें कोई ऐसा एक रूल नहीं नज़र आ रहा क्या रजन कि हम इसके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को आपस में रिलेट कर लें, कोई रूल नहीं। लेकिन उनमें से मैंने कुछ तीन ऑर्डर पेयर उठाए, इनमें एक रूल नज़र आ रहा है क्या कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट इज फर्स्ट लेटर ओ सेकेंड एलिमेंट, समझे? यानी कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वही है जो उस ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट का फर्स्ट लेटर, समझे? क्लियर हुआ? इनका फर्स्ट लेटर लेकर के फर्स्ट एलिमेंट हमारा इसमें रख दिया गया, एक रूल बन गया। उस रूल का क्या नाम है? अगर आगे से मैं बाय द वे कहूँ कि इसी तरह से एक और ऑर्डर पेयर अगर हम कहीं भी बनाए, आकाश में बनाना हमें इससे कोई मतलब नहीं। मान लिया डी, और डी के साथ मैं डंकी लिख सकता हूँ, फिर डी के साथ डमडम भी लिख दूँ, डी के साथ धोनी लिख दूँ, डी के साथ दिनेश लिख दूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ ना। एक रूल पता लग गया हमें, ये जो रूल है ये रूल ही हमारा एक रिलेशन है, ठीक है? तो इस सेट का हमने नाम दे दिया और इसको हम आर कह देंगे कि वाकई में इसमें एक रिलेशन है। जब इसके सभी ऑर्डर पेयर में एक रिलेशन है तो ये जो सेट बना ये रिलेशन कहलाया है। इस तरह का सेट जिनके ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में कोई ना कोई संबंध हो वो रिलेशन कहलाता है। क्लियर है? दूसरी चीज, ए क्रॉस बी के इतने सेट थे हमारे पास ही है ना, ये इतने ऑर्डर पेयर बने हुए, इन ऑर्डर्ड पेयर को लेकर के कितने सबसेट, कितने एलिमेंट हो गए इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने सबसेट बन सकते हैं इसके? इसके कितने सबसेट बनेंगे? एक सेट है उसमें इतने एलिमेंट है, ठीक है, कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके? वो क्या सबसेट कितने बनेंगे? कितने बन जाएंगे ना, या बनने के नहीं? 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 64 × 128 × 256 × 512 क्या बनेंगे इसके सबसेट? बनेंगे, बनेंगे नहीं? ये गलत कह रहा मैं, क्या उन 512 सबसेट में से एक सबसेट ये भी होगा? होगा नहीं बताओ मुझे, क्या नहीं होगा? जो 512 सबसेट इसके बनने हैं उनमें से एक सबसेट क्या ये होगा? होगा ना, क्योंकि सभी का कॉम्बिनेशन लेकर बनाते हैं हम। चलो ठीक है, अब सुन लो रिलेशन क्या है। यदि दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हो तो जो हमारा रिलेशन होता है
कार्टेजियन प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं एक क्रॉस बी का ही एक सबसेट, समझ में आ गया। ये जो है इस सेट का जो बनेंगे सबसेट, यानी कि इन सबको मिला के जो सबसेट बनेंगे उसी का ये एक सबसेट होती है। कह सकते हैं कि R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये चीज समझ में आई, ये समझ में आ गई तो रिलेशन समझो, समझ में आ जाएगा आपको। ये चीज समझ में आ गई, पेज नंबर 34 पे जो रिलेशन का एक डायग्राम दिया हुआ ना, ये रिलेशन हेडिंग जहाँ से स्टार्ट है रिलेशन, इसे पढ़ो, रिलेशन से लेके और डेफिनेशन टू तक पढ़ता हो, पढ़ो क्या बुक यहाँ तक देख लो अच्छी तरह, पकड़ बनी नहीं बनी।
मतलब इसमें जो चीज़ें जो उसने समझाई वो समझ में आ गई। लिखा हुआ है ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसे का ही एक सबसेट हो। इस लाइन को रट लो। ठीक है, डी दे दिया, ये सेट ए है और ये सेट बी है। मान ली ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे किससे रिलेटेड मान लिया है। ऑर्डर्ड पेयर बने वन ए टू बी और थ्री सी, तो ये भी एक रिलेशन है। क्लियर है? टोटल इसके अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर लिखूं वन के साथ वन ए वन बी वन सी वन डी 2A, 2B, 2C, 2D, इसी तरह 3 के साथ होगा, टोटल कितने हो जाएंगे? इसमें एलिमेंट 3 हैं, इसमें 4 हैं, तो टोटल 12 ऑर्डर पेयर में बनेंगे। उन 12 में से अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो ये भी एक रिलेशन होगा। ठीक है, अगर मैं सिंगल एक ऑर्डर पेयर भी ले लेता हूँ, ये भी एक रिलेशन। कहने का मतलब है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा आया ए क्रॉस बी, इसमें इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, अब समझ लो आप, ए में एलिमेंट पी हैं, क्यू में एलिमेंट क्यू हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने आएंगे? पी क्यू हो गए ना ए क्रॉस बी में, ये चीज़ समझ में आ रही। और जब इसमें एलिमेंट पी क्यू हैं तो इससे कितने सबसेट बनेंगे? टू की पावर पी क्यू। और मैं कह रहा हूँ कि जो रिलेशन है जो इसका सबसेट है, तो उसका मतलब टोटल कितने रिलेशन बनेंगे? टू की पावर पी क्यू। कुछ गया या ऊपर को गया? जल्दी बताओ, ऊपर को गया ना। चलो अभी देखो, दोबारा फिर समझो, ऐसे कागज दिया होगा यहाँ एक सेट ए एक सेट बी। अब इसमें कुछ वर्ड आएंगे, एक तो आएगा डोमेन, क्या आएगा, दूसरा रेंज और एक कोडोम। वर्ड सुने होंगे पहले भी, डोमेन को प्रांत बोलते हैं, रेंज को प्रास या प्रेशर बोलते हैं, राइट।
4 डे में उनको 100 प्रॉन। अंडरस्टैंड? अरे प्रांत को हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य, वो राज्य हिंदी में है या सोशोलॉजी में समझ लो, लेकिन यहाँ समझ लो, ये वर्ड सुने पहले नहीं बताओ। क्या पढ़ा तुमने फिर अलग में बताओ, क्या पढ़ गया अभी है? थोड़ा आवाज़ ऊंची करके तब बोला करो। अरे अब तो हो गए 4 महीने, तो हो गया 11th में आए भी, अप्रैल मई जून जुलाई चल गई। चलो तुम तो 12th पास हो ना, तुमने पढ़ा? पढ़े नहीं, क्यों? अरे अस्त सी फेर दे, अकेला चैप्टर नहीं क्यों पढ़ाओगा? सर कहना दिमाग खराब करना, कोई और चैप्टर होता उसमें तो क्वेश्चन नहीं कराने हैं, एक दो कंसेप्ट पता है, चलो भाई इसमें है ही सारा कंसेप्ट, और इसके बिना चलता नहीं, क्योंकि इसमें रीज़न बता रहा हूँ कारण क्या है। इसमें सेट हो गया आपका ये, अब रिलेशन चल रहा है, उसके बाद फंक्शन चलेगा, लिमिट है वो भी इससे रिलेटेड है, एक चैप्टर आएगा इनइक्वलिटी, ठीक है वो भी इससे जुड़ेगी, और आपका प्रोबेबिलिटी भी इसमें जुट जाएगी थोड़ी सी, एक दो चैप्टर होगा जो मेरा भी ध्यान नहीं है, नहीं इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें काम करती है, ट्रिग्नोमेट्री ये जो फंक्शन चैप्टर है ना, ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होगा। अब बताओ जब हर सेल्फ में अपने आप भी इसके जो हैं खुद क्वेश्चन आते हैं, इनमें तो काम करेगा, क्या इसको छोड़ा जा सकता है इंजीनियरिंग के लिए? अले में तो काम चल जाएगा। अभी हम एक प्रोग्राम था गुरु नानक इंटर कॉलेज में गए थे, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो बता रहे थे कि ये बच्चे ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल बेकार, बस उलाना दे दे कि वो नहीं पढ़ता वो नहीं पढ़ता, क्योंकि पेरेंट्स को तो मतलब नहीं रहा, पेरेंट्स बहुत ही कम जागरूक हैं, जिनके जागरूक है वो बच्चे पढ़ रहे हैं, अदरवाइज सिस्टम ये होगा फेल कोई होना नहीं, सिस्टम जो इंटरनल कर दिया ना वो 30 नंबर के उन्हीं में पास हो जा, 30 में से 30 यहाँ जाओ, 3 वहाँ जाओ, 33 में पास, यही तो है। या ऐसा है कि उसमें क्या नाम 70 मार्क्स में से अलग आपको कुछ 20 या 22 मार्क्स लाने, वैसा तो कुछ नहीं है ना, फैल नहीं करना बस, समझे आप? डोमेन जो सेट फर्स्ट होता है, यानी कि जो ऑर्डर पेयर हम बनाएंगे उसके जो पहले एलिमेंट होते हैं वो उसका क्या कहलाता है? डोमेन। ये वाला आपका डोमेन, समझ गए? ये जो 3 एलिमेंट जो इधर के एलिमेंट से जुड़ गए ये रेंज है, ठीक, और ये जो पूरा सेट है ये वाला ये कोड हो, समझ गए? 1 2 3 4 A B C D E, अब बताओ सर डोमेन क्या है? और रेंज? रेंज सर ये A B C, और को डोमेन A B C D E, समझ में आ गया? तो मैं लिख सकता हूँ कि जो रेंज है वो सबसेट है कोडेमेन की या नहीं है? देख लो है नहीं, लिखना तो नहीं है, लिखना तो लिखो करो, बता दिया करो,
आगे चलें। यस सर। ये कहता है डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन और फ्रॉम ए टू ए वाई ऐसा रिलेशन आर बनाना है जो इस सेट पर डिफाइन हो। रिलेशन बनाने के लिए हमें कितने सेट चाहिए? कर दिया हुआ कितना है? दो हैं इसमें, एक है, ध्यान से देखो। ये तो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर। देखिए कौन से, एक तो ये है है। देखिए अब तक हमने सेट सिंपली पढ़ा कि ए टू बी पढ़ा, ठीक है। यहाँ जनरली एक सेट ए दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। यहाँ पे अधिकतर जो आपको सेट मिलेंगे दो मिल जाए या वो क्या कहेगा, फ्रॉम ए टू ए या फ्रॉम एन टू एन, फ्रॉम बी टू बी, उसी सेट का उसी से। उसको समझेंगे कैसे हम, सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलो जी ए बराबर ये भी हुआ, दोबारा से फिर लिख लो, बस आज लिख रहे हैं, उसके बाद फिर कभी लिखने के लिख लिया। तो इससे इसका एक रिलेशन बनाना है, रिलेशन में क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर का एक सेट होगा, एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, कितने आएंगे हमें नहीं पता, ज़्यादा भी आए कम भी आए कितने भी आए हमें नहीं पता, देखते हैं। लेकिन रूल कौन सा फॉलो करना, y बराबर x प्लस, x की वैल्यू कहाँ से लेंगे, a से लेते चले जाएंगे। ये क्या है x, किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। y क्या आएगा उससे, उसी ऑर्डर पेयर का बनाए, जैसे हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या जाएगा, ठीक। इसको 2 रखेंगे तो क्या आएगा, इसको 3 रखेंगे तो इसको, इसको 4 रखेंगे तो ये क्या आएगा, इसको 5 रखेंगे तो इसको क्या करेगा आएगा, और इसको 6 रखें तो क्या ये क्या आएगा, क्या आएगा, 7 आएगा ना। लेकिन 7 क्या ए सेट में है, तो वो वहाँ तक हम नहीं जाएंगे, सिर्फ यहीं तक हमारा ये रिलेशन, ठीक है। ये हमारी है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ वो सेट, और ये हमने
इसको डिफाइन कर दिया ऑर्डर्ड पेयर के। एक्चुअल में जो सेट है वो हमारा ये है रोस्टर मेथड में, रोस्टर या टेबुलेशन मेथड कह दो, टेबुलेशन मेथड, और वो हमारा सेट फिल्टर मेथड। ये चीज़ समझ में आ गई। अगर इसको हम ऐसे देखें डायग्राम से कैसे कनेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 ये भी सेट ए है, इधर भी एक सेट वही ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ले 2 3 से 3 4 से 4 5 से और 5 6 से। यहाँ पे जो 6 हमारा बच गया बेचारा, यहाँ 6 बच गया, यहाँ पे बनी हमारे किसी काम के नहीं रहे। एग्जाम्पल दिया हुआ आपको, क्लियर है। अब मैं इसका अगर डोमेन लिखूं, डोमेन क्या है इसका, 1 2 3 4 6 आ जाएगा, 6 है डोमेन, डोमेन है डोमेन, ये होगा या उधर लो होगा, तो क्या 6 है इसका। जब 6 की किसी से इमेज नहीं बनी तो फिर डोमेन कैसा रह जाएगा, रेंज क्या हुई इसकी, 2 3 4 5 6 होगी। और डोमेन क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 पूरा ही सेट आपका। एग्जाम्पल 8 है, जरा इसका थोड़ा ध्यान दो। एग्जाम्पल 8 समझ में आया या नहीं आया बताओ। आगे ब्रैकेट में एक डेफिनेशन से भी लिख रखी है, सभी देख लो या वो समझ में आ रही है नहीं।
आगे सुनो भाई, नहीं है समझना जरूरी, तो सीधा एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कभी भी, समझ में आना, ये समझ में आएगा जब तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और यही चीज़ समझ में नहीं आएगी तो कैसे क्लियर होगी, तो समस्या रहेगी ना, तो मतलब फिर कहीं ना कहीं कंसेप्ट अभी अच्छी तरह से आप पकड़ नहीं पाओ। हाँ जाओ भाई, एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है, तो वो कह रहा है कि इसमें जो रिलेशन की संख्या होगी, इसमें जो बनने वाले संबंध है वो 2 की पावर PQ होंगे, यही कह रहा है ना, समझ में तो नहीं आ ना, क्यों होंगे 2 की पावर PQ, तो बता रहा कि ये कह रहा कि इतने होते हैं, लेकिन ये पढ़ के आपके समझ में आ रहा कि क्यों होते हैं 2 की पावर PQ, समझ में आ गया उदाहरण से, वो छोटा उदाहरण है समझ में आ रहा, लेकिन ये मैटर बड़ा फर्स्ट क्लास का, हम इसे पी और क्यू के फॉर्म में ही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब बात करता है रिलेशन, इसकी बात करता है रिलेशन, हमें मिलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारा होता है सेट ए और बी का, यानी कि ए क्रॉस बी, इसमें से तो मिलता है ना रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए क्रॉस बी हम बनाते हैं उसमें जो नंबर ओ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं कितने होते हैं, उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अगर इसमें पी एन इवेंट है, इसमें क्यू है, तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, पी क्यू बनेंगे नहीं बनेंगे, ये तो क्लियर होगी। रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आता है, या कहूँ कि रिलेशन डायरेक्ट यहाँ चले जाओ आप, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये तो होता है ना, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। अभी इस चीज़ को हम छोड़ते हैं, हमने सिंपल ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ जो ऑर्डर्ड पेयर आए या नंबर ऑफ एलिमेंट आए वो कितना है, पी और क्यू आए। जब ये नंबर ऑफ एलिमेंट पी क्यू आ गए, एक सेट है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मान के चलो मैं ऐसा कर देता हूँ a1 a2 a3, ऐसे टेबल में लिख सकता हूँ। पहले पी क्यू की वैल्यू अगर 15 है तो मैं a1 a2 a15 तक जा सकता हूँ, कितने सेट हैं, क्लियर है, इसके कितने सबसेट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे इसके, 2 की पावर 15 या 2 की पावर PQ सबसेट बनेंगे ना। और ये क्या कह रहा है कि जो रिलेशन है इसके सारे सबसेट है ना, सिर्फ इनका नोटेशन ही तो बदल दिया मैंने, तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट बनते हैं वो सारे के क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। समझ में आया है कि 2 की पावर PQ क्यों है, या अभी भी नहीं आया, चलो उसको एक चीज वो करते हैं, जाओ ये चीज समझनी जरूरी है, इसकी समझ चलो अब पी क्यू हम छोड़ देते हैं, अब देखो जो मैं करूँगा वैसा करना, अपने आप समझ में आइए। एक सेट ए लिया मैंने, ए बी सी, ठीक,
एक सेट बी लिया मैंने वन, ठीक, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पी इक्वल टू थ्री है, इसमें क्यू इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट टू। हमें देखना है कि जो एक रिलेशन बनेगा, रिलेशन ए टू बी, रिलेशन ए टू बी, उनकी संख्या कितनी होगी, है ना, कितने रिलेशन बनेंगे ए से बी में, ये हमें देखना है। लेकिन हमें पता है जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है। तो सबसे पहले हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकाल लो, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कितने एलिमेंट है इसमें, थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स है या नहीं। इन्हें मैं अलग से अपनी तरफ से नाम दे रहा हूँ, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स। अब जनरल सेट थोड़ी पा जाओ, जनरल सेट पढ़ाया मैंने, एक सेट है जिसमें छः एलिमेंट हैं, इसमें कितने सबसेट बनेंगे, इसके कितने सबसेट होंगे, टू की पावर, ये तो पढ़ रखा, टू की पावर सिक्स या टू की पावर थ्री इंटू टू लिख सकता हूँ, नहीं मैं, इतने क्या बने इसके सबसेट। और हमने ये कहा कि इसके जितने भी सबसेट हैं, जितने भी वो सारे के सारे क्या हैं, रिलेशन, समझ रहे, जितने भी ये नंबर ऑफ सबसेट बने वो सारे के सारे क्या हैं, रिलेशन। इसलिए जो नंबर ऑफ रिलेशन आएगा वो कितना होगा, टू की पावर थ्री इंटू टू, अगर मैं इसको थ्री को पी मान लूँ और टू को क्यू मान लूँ, तो टू की पावर पी और थ्री की पावर क्यू हो, टू की पावर पी क्यू हो गया, नहीं नंबर ऑफ रिलेशन। यहाँ ये सिर्फ ऑर्डर पेयर्ड हैं, उसमें सिंपल एलिमेंट होते थे, लेकिन सबसेट तो इनसे ही बनेंगे भाई, इसको ले लो, यो भी सबसेट है, यो भी सबसेट है, यो भी सबसेट है, दो दो को ले गए, तीन तीन को ले गए, चार चार को ले गए, पाँच पाँच को ले गए, इस तरह सबसेट बनेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, यानी कि ध्यान रखो कि ये ध्यान रखना है एक तो अपने माइंड में, आर सबसेट ए क्रॉस, ये जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, जितने भी सबसेट बनेंगे वो भी सारे रिलेशन, ठीक। और ये जो होता है रिलेशन, इसी का ही सबसेट होता है। ए क्रॉस बी ऑर्डर में एक सेट बनेगा, इसके जितने सबसेट होंगे वो सारे रिलेशन है, यानी उनमें से ही एक उसका, उसको रिलेशन कहेंगे। घर एक दो बार रिवाइज करोगे, आगे जब अगला एग्जांपल देखो तो समझ में आ जाएगा। फार्मूले पे मत जाना एकदम, कि जी फार्मूला हमें याद है टू की पावर पी क्यू, वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे, फिर आप इसमें ये देखिए कि ये लगाया क्यों। लिखना तो नहीं है, लिख लो वैसे से एक बार, क्योंकि मैंने ये आपको दूसरे तरीके से किया, क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये पी क्यू समझाया, लिख लो।
ए रिलेशन आर ए टू ए, क्या टर्म है ए टू ए, यही किया था हमने, ऐसा तो क्वेश्चन किया था हमने, एक रिलेशन निकाला था हमने ए टू ए, तो जो है ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, आपको सिर्फ इतना ही लिखा मिलेगा आगे, ए रिलेशन और ए, समझे? अगर कहीं मिलता है कि ए पर एक रिलेशन या ए पर एक संबंध, इसका मतलब क्या होगा ए टू ए, तभी सोचो कि ए भी सेट दिया, दूसरा सेट तो उसमें है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ ए रिलेशन ऑन एन, ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब ए रिलेशन फ्रॉम एन टू, हमारा मुझे एक बात बताइए, लगभग मैं ये मान के चलिए कि जो अलेवेंथ का आपका रिले लिखना तो नहीं है, उसमें देखिए लगभग ये मान के चलो अलेवेंथ का सेट खत्म हुआ, रिलेशन ख़त्म हो गया, अलेवेंथ स्टैंडर्ड का आपका जो स्टार्ट होगा वो होगा फंक्शन, उसका फंक्शन एंड करके, जहाँ तक उम्मीद है कि अलेवेंथ का शायद फंक्शन कल कम कर पाऊंगे, जो चीज़ें और ज़्यादा रहेंगी उन्हें सेम बात में, और मुझे और लग रहा है पाँच और तीन आठ, क्योंकि जैसे ये मैंने पढ़ाया आपको सेट पढ़ाया और ये रिलेशन पढ़ाया, अगर फंक्शन भी पढ़ाऊंगा ट्वेल्थ में जो रिलेशन है वो भी पढ़ाना, तो एट लीस्ट ये मान के चलो दो क्लासेस तो कम से कम लगनी लगनी इसकी हो रही है। अब देखो सबसे बड़ा इशू यहाँ यही है, अगर मैं आपका जेई का मैथ करा दूँ डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, अगर तुम्हारा ये बेस भी क्लियर हो गया ना तो सौभाग्यशाली बन जाओ, समझ रहे? और ये क्लियर ना हुआ है क्वेश्चन आप कितने भी कर लेना, क्वेश्चन करने से कभी मैथमेटिक्स नहीं सीखे जाते, मैथ जो सीखे जाते हैं कंसेप्ट, आप किसी चीज़ का कंसेप्ट पढ़ लो और फिर इसके क्वेश्चन कर लो, मान लिया क्वेश्चन आपने दो ही किए, कंसेप्ट आपने उसका पूरा कर लिया, सक्सेस है। लेकिन अगर आपने ये किया नहीं है यहाँ इसके दो के आगे 200 भी कर लोगे ना, जब भी आप फंसोगे, और आपके कोई बुक हो उसमें देखना आप रिलेशन फंक्शन, अब जो आपका कल का होमवर्क रहेगा इसमें आपको फंक्शन ही पढ़ के आना है, फंक्शन क्योंकि कल छुट्टी है, टाइम बहुत है, और पूरा फंक्शन अलेवेंथ का पढ़ गया मैं, कोशिश करूँ क्योंकि पांच लेक्चर हो गए, पांच लेक्चर और रह रहे हैं सेट रिलेशन फंक्शन के, ये दो में ख़त्म कर दूँ कम से कम, तीन में तो इंजीन के क्वेश्चन कर लें, नहीं है तो तीन में तो एंड हो ही जाएगा, दो ही फिर आपको मिलेंगे क्या नाम लेक्चर जो प्रॉपर हम क्वेश्चन कर पाएंगे, सहमत हो इस चीज़ से, क्योंकि देखो चीज़ें छोड़ के काम चलेगा नहीं किसी भी हल, और अब तक के सेट रिलेशन में अगर कोई आपकी डिफ़िकल्टी है उसे आप नोट करके लाएंगे, ठीक है? और कोशिश करूँगा कि एक दो क्वेश्चन भी करा के देख लूँ आपसे, लेकिन फ़िलहाल ये कि जो समय हमें मिला हुआ है उस समय में हम इस कंटेंट को करें, क्योंकि जितना कम समय यहाँ पे है उतने समय में होता नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हारा अलेवेंथ ट्वेल्थ का तो पूरा हो जाए। अब दो चैप्टर आपने जो पढ़े हैं सेट रिलेशन में, लगता है कि कुछ आपने यार पाँच दिन से कुछ सीखा है, हाँ भाई लगा कुछ यार, जैसे पाँच दिन पहले आए थे वैसा ही हो आज भी भाई, जब ये चैप्टर पढ़ा कुछ ना कुछ तो उसकी जानकारी हुई होगी, दो बातें किसी को बता सकते हो, नहीं भी है ये तो ट्वेल्थ पास होगी, लेकिन आप अपने क्लास में बच्चों को पकड़ गए एक दो को पूछ दिए उन्होंने क्या है, अभी आ गया आपका फिर कॉम्प्लेक्स नंबर चलेगा, फिर मैट्रिक्स है, तो मैथ तो आपका देखो जेई के पर्पज़ से भी तो मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कहने का, लेकिन ये है कि अलेवेंथ ट्वेल्थ और जेई टच
ऐसे हो सकते हो कि घर पर बैठ कर आप क्वेश्चन कर सकते हो इजी, क्योंकि एक्चुअल में इस टॉपिक्स के लिए कम से कम 20 लेक्चर होने चाहिए। कह रहे थे कुछ आपका होमवर्क रहेगा वो फंक्शन पढ़ना है आपको, ठीक है, कि फंक्शन क्या होता है, और आपको मंडे में टाइम से आना भाई मंडे में, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि 10 मिनट का, 10 या 15 मिनट का एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। टेस्ट ऐसा ही होगा, बस यहीं कहीं देखूँगा, यहीं कहीं चेक कर लूँगा अपना पतना, सिंपल चीज़ें कुछ भी पूछ सकता हूँ, ओरल पूछ लूँगा, नहीं भी मौके गए ये तो पूछूँगा ही मैं 2 की पावर p की, ठीक है। तो जो अब तक का पढ़ाया ऐसे रिवाइज कर लेना, और जो ये फंक्शन है इसको आपको करके आना, क्लास खत्म होगा। चलिए केमिस्ट्री हो रहा है।